नमस्कार, एसएमसेट न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी। व्यवहारता और तौर तरीकों पर किया जा रहा है विचार। पंजाब सीएम से जुड़ा नया विवाद, नशे की वजह से जर्मनी में फ्लाइट से उतारे जाने का आरोप। सुखबीर का कमेंट, दुनिया भर के पंजाबी शर्मिंदा हुए। दीगढ़ यूनिवर्सिटी का वीडियो लीक का इंटरनेशनल कनेक्शन, छात्र को कॉल पर धमकी, 3 आरोपी गिरफ्तार। सीयू 6 दिन के लिए बंद, 2 वार्डन को सस्पेंड किया। केस की जांच के लिए महिला एसआईटी तैयार। 5 दिन में जैकलीन से दूसरी बार पूछताछ, 2.5 घंटे की देरी से पहुंची दिल्ली पुलिस ने। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछली बार 8 घंटे में 100 सवाल पूछे थे। यूट्यूबर ने अयोध्या में बनाया सीएम योगी का मंदिर। तीर धनुष वाली योगी की मूर्ति की सुबह शाम होती है पूजा। मंदिर की लागत 8.56 लाख। जोधपुर में डॉक्टर ने कुत्ते को कार में बांधकर घसीटा, विरोध हुआ तो खुद पुलिस बुलाई, कहा रोजाना घर में घुसता था, बेटी को भी काटा। कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले नड्डा से, बेटे बेटी और कई पूर्व विधायकों मंत्रियों के साथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी, अपनी पार्टी का विलय भी करेंगे। केरल में ऑटो ड्राइवर की 25 करोड़ की लॉटरी लगी, ओणम बम्पर लॉटरी में जीता पहला इनाम। टैक्स कटने के बाद मिलेंगे 15.75 करोड़। इंग्लैंड में हिंदू मुसलमानों की झड़प, लिसेस्टर शहर में लाठी डंडे लेकर उतरी भीड़, पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकी, 2 हिरासत में। महारानी एलिजाबेथ का हुआ अंतिम संस्कार, रात 8:30 बजे प्रिंस फिलिप की कब्र के बाजू में दफनाया जाएगा। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज इंडिया।